जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों डीजो वॉच आर के रिगार्डिंग वीडियो में पहले भी बना चुका हूं और बहुत सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। कंपनी ने इसमें जो बग्स था उसे फिक्स कर दिया है। अगर आपके पास डीजो वॉच आर है तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। सेकंड सेल में दोस्तों इसकी कीमत 3600 के आसपास थी, लेकिन अभी जो इसकी कीमत है 4000 हो चुकी है। इसकी सेल भी बहुत जल्दी में भी 1 वीक के अंदर आ जाएगी। अगर दोस्तों आपका बजट यहाँ पे लो है, आप एमोलेड वॉच यहाँ पे नहीं परचेस कर सकते, तो इसकी भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया है डीजो ने रिसेंटली लॉन्च किया है डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। जी दोस्तों, इस वॉच को मैं पिछले 15 डेज से यूज कर रहा हूँ एंड इस वॉच का प्राइस भी दोस्तों जो लॉन्चिंग प्राइस था वो 2000 था, अभी शायद से ये वॉच जो है 2500 की रेंज में आ रही है एंड इसकी भी सेल जो है फ्लिपकार्ट पे ऑन है। इस वॉच के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये वॉच 2500 में वर्थ है या नहीं। हो सकता है कि कुछ ऑफर्स वगैरह आए जिससे कि इसका प्राइस वापस से बैक होके 2000 हो जाए, बट फिलहाल इसका जो प्राइस है अभी 2500 है एंड इस वॉच के रिगार्डिंग दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि पिछले 15 डेज से मैं इस वॉच को कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। इसका बैटरी बैकअप क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्या इसका SPO2 मॉनिटरिंग अच्छे से वर्क करता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग अच्छे से वर्क करता है, सारी कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पर है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बॉक्स कंटेंट में आपको 3 चीजें मिलती है, डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स का मैनुअल गाइड कम वारंटी कार्ड एंड साथ इसे आपको कैसे यूज़ करना है सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। साथ में केबल मिलती है जो मैग्नेटिक केबल है, जिससे आप इस वॉच को चार्जिंग कर सकते हो एंड ये वॉच बॉक्स MRP आपको 3499 की मिलती है, बट इसका प्राइस इससे कम है। बॉक्स पैकेजिंग आपको इस तरह से मिल जाती है। वॉच का फ्रेम आपको काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का मिलता है। इसकी जो थिकनेस है 12.2 mm की है और यहाँ पर जो वॉच है ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी लाइट वेट है। इसका जो वेट है ओनली 41.5 ग्राम का है। ऑल डे अगर आप इसे वेयर करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बट एक बात क्लियर कर दूं, जो फ्रेम है मेटल बॉडी का नहीं है, जैसा कि डीजो वॉच 2 में मिलता था। बात करें स्ट्रैप की तो ये रबराइज्ड सिलिकॉन मटेरियल है जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रिप कर लेता है अगर आप इसे स्ट्रैप से वेयर करते हैं एंड ऊपर की तरफ आपको डीजो की ब्रांडिंग मिलती है। फ्री साइज़ है दोस्तों और अगर आप इसे वेयर करते हो, कोई भी ब्रेस्ट हो आपकी, कोई भी साइज़ हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पीछे की तरफ आपको SPO2 मॉनिटरिंग एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए 2 सेंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ चार्जिंग पोर्ट एंड वेरियस ऑपरेशन के लिए एक ही डेडिकेटेड बटन आपको साइड में मिलती है। मोस्टली स्मार्ट वॉच में आपको ब्लैक कलर का ही वॉलपेपर या फिर एनिमेटेड वॉलपेपर मिलेगा, बट यहाँ पे बहुत से यूज़र्स पूछते हैं कि भैया इसका एक्चुअल डिस्प्ले क्या है। तो भैया यहाँ पे मैंने टॉर्च ऑन कर दिया है, वाइट वॉलपेपर आपको दिख रहा होगा एंड ऊपर की नीचे की चीन आप देख सकते हो। ऊपर की तो ठीक है, नीचे की थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी। डिस्प्ले इसमें 1.69 इंचेस का TFT डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 240x280 पिक्सल्स का है एंड इसमें आपको एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है स्क्रैच रेजिस्टेंट के साथ आता है, यानी फिंगरप्रिंट और स्क्रैचेस का प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगा, काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है। डे लाइटिंग कंडीशन में भी आप देख सकते हो इसके डिस्प्ले में आपको कोई भी इश्यू नज़र नहीं आएगा। क्लियरली आप यहाँ पे टाइमिंग वगैरह देख सकते हो। नीचे से ऊपर करने पर यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन दिख जाएंगे जिससे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ऊपर से नीचे अगर आप करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आपको डिटेल्स मिल जाएगी एंड लेफ्ट टू राइट करने पे यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शंस मिल जाता है। राइट टू लेफ्ट करने पे यहाँ पे आपको जो एक्टिविटीज़ रहती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग या वेदर हो या फिर म्यूज़िक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स की जो ब्राइटनेस है वो 600 निट्स है, इसलिए डे लाइटिंग कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें जो बैटरी प्रोवाइड की गई है 260 mAh की है। सुपर पावर सेविंग मोड भी इसमें मिलता है। कंपनी के अकॉर्डिंग 10 डेज का बैटरी बैकअप मिलता है, बट डेली मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, 8 डेज टू 9 डेज का बैटरी बैकअप इसमें मिल जाता है।
सेटिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है। इसमें दोस्तों 150 से ज़्यादा वॉच फेसेस मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इससे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करोगे तो जितने वॉलपेपर आपने सिंक किए हो यहाँ पे लाइव वॉलपेपर वो यहाँ पे दिखाई देंगे। ज़्यादा लाइव वॉलपेपर के लिए आपको डीजो ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ जो मेन्यू स्टाइल है उसे भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। दो तीन मेन्यू यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे मेन्यू स्टाइल जो है आप देख सकते हो, दो स्टाइल यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे अदर फीचर्स जैसे वेदर, स्टॉपवॉच, अलार्म क्लॉक, फीमेल हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी जो है आप यहाँ पे सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग में चेंज कर सकते हो। बहुत सी वॉच बॉटल्स वगैरह का भी SpO2 मॉनिटरिंग या हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर लेती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बॉटल पे इसे पेयर किया है एंड देखते हैं कि यहाँ पे मैसेज क्या आता है, क्या ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग करता है। दोस्तों ये नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है इसका सेंसर सही तरीके से काम कर रहा है। SpO2 मॉनिटरिंग भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका भी SpO2 आ रहा है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मैसेज आ रहा है ये नहीं कर पा रहा है। मैं इसे खुद वेयर करके देख लेता हूँ जहाँ पे जो हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग सही तरीके से आ रही है। वैसे इसका एक्यूरेसी टेस्ट बहुत जल्दी मैं आपके लिए इसी चैनल पे लेके आऊँगा। वॉच 2 को डीजो ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हो। डीजो ऐप आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों इस ऐप के थ्रू अगर आप इसे कनेक्ट करते हो, iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स जो है आप अनलॉक कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तीन तरह की वॉच है, डीजो वॉच 2 आर एंड वॉच 2 स्पोर्ट्स। तो हमारी वॉच 2 स्पोर्ट्स है, जैसे ही आप इसे टैप करोगे पे बाइंडिंग के लिए मैसेज आएगा, यहाँ पे वॉच सर्च हो चुकी है। विद इन ए सेकेंड यहाँ पे जो है वॉच सर्च हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं जाती। जैसे ही यहाँ पे मैं राइट के साइड पे यस करता हूँ, आप देख सकते हो वॉच यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, 64% बैटरी है। डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स इसीलिए इसे बोला गया है कि जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे आप देख सकते हो एक्सरसाइज पुश का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें आपको दोस्तों 110 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। यहाँ पे लास्टली आप देख सकते हो जो स्पोर्ट्स मोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से जो भी स्पोर्ट्स मोड आपको चाहिए ऐप के थ्रू यहाँ पे आपको बस टैप करना है और ऐड करना है। सिंक होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आपको वो स्पोर्ट्स मोड ऐड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो जंप रोप ऐड जो है अभी ऐड हो चुका है। इस तरह से वेरियस स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, 110 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड आपको इसमें मिलते हैं, इसलिए वॉच 2 स्पोर्ट्स मोड नाम इसे दिया गया है। ये तो बात हुई स्पोर्ट्स मोड की। अब भाई वॉच है तो वॉच फेसेस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बहुत सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, एनिमेटेड वॉच फेसेस मिल जाते हैं। बस आपको टैप करना है, डाउनलोड करना है, सिंक करना है एंड कुछ ही सेकंड में आपके वॉच का जो फेस है चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप वेरियस वॉच फेसेस जो हैं चेंज कर सकते हो। वॉच में आपको 150 से ज़्यादा वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल हैं। डीजो की जो ऐप है उस पर आपको कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे यहाँ पे आप वॉच के थ्रू कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, फोटोग्राफी जो है वॉच के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा कॉलिंग नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ड्रिंक रिमाइंडर के रिगार्डिंग, जिसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे दोस्तों इस वॉच में कॉलिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। म्यूट और डिस्कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, बट वॉच 2 स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी ये ऑप्शन आने वाला है OTA अपडेट के थ्रू। ये दोस्तों वॉच 2 स्पोर्ट्स के डिटेलिंग में दिया हुआ है, GPS ट्रैकिंग वाला ऑप्शन, वर्कआउट रिपोर्ट शेयरिंग एंड क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन OTA अपडेट के थ्रू मे बी इस मंथ के एंड में आपको मिल जाएगा। क्लियर कर दूँ, इस वॉच में GPS इनबिल्ट नहीं है, ऐप के थ्रू ही GPS ट्रैक होगा जो कि मोबाइल का GPS जो है यूज़ होगा। म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन भी इस वॉच में अवेलेबल है, जिससे आप यहाँ पे म्यूज़िक का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो एंड ट्रैक को चेंज कर सकते हो। वॉच को OTA अपडेट के थ्रू आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। इसमें लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आया हुआ है 0.39 का। इस अपडेट के रिगार्डिंग बहुत जल्दी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दो वेरिएंट आपके पास अवेलेबल है, या तो आप 4000 वाले एमोलेड डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं जो कि काफी बेटर प्राइसिंग के साथ आता है, एंड या फिर आप LCD डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं जो कि 2500
लगभग 2000 के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिलता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड्स इसमें अवेलेबल है। दोनों ही वॉच की क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट है एंड आप इसे अपने बजट के हिसाब से परचेस कर सकते हो। दोनों ही वॉच के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपको इन चैनल पे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे रियलमी डीजो के रिगार्डिंग, ओप्पो के रिगार्डिंग। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए वंदे मातरम।